Good evening, all of you. Am I audible and visible? Am I audible and visible? Okay. Last class में हमने number of functions defined from set A to B. Number of functions defined from set A to B. याद है किसी को? First set में P elements लिए थे, second set में Q. Then number of functions defined from set A to B. Q to the power. ठीक है, तो हमने दोनों सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए थे. अब अगर हम दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लें, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू पी, देन लास्ट केस भी देख लेते हैं रिलेशंस वाला, देन नंबर ऑफ number of relations defined on set A. Number of relations defined on set A. It means number of relations from set A to A. जब एक ही सेट होता तो हम सीधा बोल देते हैं defined on set A. ठीक है क्या? एक ही सेट हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही सेट पे defined from set A to A. हाँ बताएगा कोई क्या आएंगे? Number of relations defined on set A. और set A contains P elements. पढ़ चुके हैं हम पहले, जल्दी बताएं. बिल्कुल सही बताया, 2 to the power P square. हाँ number of elements L नहीं लिए हमने, P ली, इसलिए क्या आएगा 2 to the power P square. अनुमेय क्यों हुए 2 to the power P square? ठीक है, 2 to the power p square. क्यों? सेट a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे? p into p, p square. उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power p square and every subset is a relation. ठीक है क्या? सब कुछ समझ में आया क्या? 2 to the power p square. ठीक है, number of elements in set A equal to P, then number of relations defined on set A equal to 2 to the power P. Second, number of relations के बाद number of functions defined on set A. It means number of functions defined from set A to A. बताएगा कोई? कल बताया था सेकेंड सेट में क्यू एलिमेंट, फर्स्ट सेट में पी, सो क्यू टू दी पावर पी, या सेकेंड सेट में भी सो पी टू दी पावर, सो पी टू दी पावर एक ही सेट है यहां पर जिसमें पी एलिमेंट है, उससे ही उस पर डिफाइन कर, सेट ए से सेट ए पर ही डिफाइन. ओके, अब मैं दो रिजल्ट और बता रहा हूं. नंबर ऑफ reflexive relations defined number of reflexive relations defined on set A. Number of reflexive relations two to the power P square minus P. 2 to the power P square minus P. ठीक है, मैं एक एग्जांपल से भी बताता हूं, देखें ध्यान से. अगर सेट ए में 3 एलिमेंट ले लिया आपने, ठीक है, तो आप ए क्रॉस ए बनाओगे, है ना, कोई भी रिलेशन. क्या आएंगे उसमें एलिमेंट? ए, 9 एलिमेंट आएंगे, ए बी, ए सी, बी ए, बी बी, बी सी, 6 तो ही हो गए, सी ए, सी बी, समझ में आया? कोई भी रिलेशन, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना चाहते हैं, किसी भी रिलेशन में कितने
कोई भी रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, सेट ए पर अगर हम रिलेशन डिफाइन करें तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, 3 × 3 9, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, 2 to the power 9, तो टोटल रिलेशंस 2 to the power 9। ओके, अब उसमें हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्स, सो ए बी बी और सी, ये तीन एलिमेंट तो कंपल्सरीली होना चाहिए। तो इन तीनों एलिमेंट को ले लिया हमने वन बेस है, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस है, इन तीनों एलिमेंट को सिलेक्ट करने का भी वन। अब बचे आपके पास रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स में से आप एक भी ना लें, या और के लिए प्लस लगाते हैं, या फिर वन एलिमेंट ले लें और टू एलिमेंट ले लें, या पूरे के पूरे 6 ले। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये 3 एलिमेंट कंपलसरी थे, रिमेनिंग 6 में से एक भी ना लें, ये बाइनोमियल का रिजल्ट है, क्या आएगा 2 to the power 6, मालूम है NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCN, 2 to the power, ओके क्लियर। हाँ, तो ध्यान से देखें, अगर हम n p की वैल्यू 3 ले ले, सेट ए में हमने 3 एलिमेंट लिए, 3 ले ले तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 2 to the power 6, कांसेप्ट समझ में आया कि सभी को, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इक्वल टू ए सॉरी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए इक्वल्स टू 2 to the power p² - p, ओके क्लियर। मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, एक्सप्लेन भी किया। अगर हम पी के लिए एक्सप्लेन करें तो सेट ए में पी एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में पी स्क्वायर एलिमेंट होंगे उसमें, है ना, टोटल पी स्क्वायर एलिमेंट होंगे उसमें, ये जो पी एलिमेंट है ये तो कंपल्सरीली लेना है, तो पी स्क्वायर में से पी ये कंपल्सरीली होंगे ही, ए बी बी सी सी टाइप जो खुद से ही रिलेटेड है, तो अब टोटल एलिमेंट से पी स्क्वायर, उसमें से पी तो हटा दिए तो बचे पी स्क्वायर माइनस पी। अब पी स्क्वायर माइनस पी में से एक लें तो पी स्क्वायर माइनस पी सी जीरो, पी स्क्वायर माइनस पी सी वन, पी स्क्वायर माइनस पी सी टू एंड पी स्क्वायर माइनस पी सी पी, तो आ जाएगा 2 to the power p². समझ में आएगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट। इसी तरह हम नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, और एक और पॉइंट लिख रहे हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइन ऑन सेट, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइन ऑन सेट। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है, 2 to the power p p + 1/2, सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट इक्वल टू 2 to the power p p + 1/2। अब देखें ये कैसे हुआ, ये जो एलिमेंट है ए बी बी सी, ये हो भी सकते हैं या नहीं, तो ऐसे अगर जिस सेट में यहां तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए बी बी सी सी 3 है, अगर पी एलिमेंट्स होते तो पी आते, तो इनको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, तो सिलेक्शन कर भी सकते हैं और नहीं भी, दो वे हो गए, तो 2 to the power p। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट, अगर ए बी लोगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग बी ए रखना पड़ेगा, सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी लोगे तो बी ए रखना पड़ेगा, तो ऐसे कितने एलिमेंट बचे, टोटल एलिमेंट बचे p² - p, p एलिमेंट हटा दिए p² में से, तो p² - p में से हाफ है ए बी ए सी और हाफ है बी ए सी ए, है ना, तो वो p² - p हाफ है बाइट समय इन टू वन, अगर ए बी लिया है तो बी ए लेने का तरीका एक ही होगा, और ए बी को सिलेक्ट करने के लिए हो गए 2 to the power p² - p/2। समझ में आया क्या, फिर से देखो सेट ए में पी एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में पी स्क्वायर एलिमेंट होंगे, उसमें से ए ए बी बी जो खुद से ही रिलेटेड ऐसे पी एलिमेंट होंगे, तो उनको सिलेक्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 to the power p वे, पहले एलिमेंट को लें या नहीं लें, दो वे
दूसरा एलिमेंट में से 2 to the power p। अब ए बी ए सी इस टाइप के आधे एलिमेंट टोटल बचे पी स्क्वायर माइनस पी, ए बी बी सी सी, इनको छोड़ के पी स्क्वायर माइनस, उनमें से हाफ होंगे ए बी ए सी और रिमेनिंग हाफ होंगे बी ए सी ए, राइट। तो पी स्क्वायर माइनस पी बाई टू, हाफ ए बी को लेने के करेस्पॉन्डिंग बी ए को लेने का वे होगा ये, क्लियर। अब इन दोनों को एड, 2 to the power एड करें तो 2 की पावर में एड हो जाएगा एलसीएम 2 2p + p² - तो 2 to the power p² + p/2, तो p p + 1। ठीक है, समझ में आ गया क्या सभी को? नोट करें, ठीक है। इसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परमुटेशंस पर पढ़ते हैं, वो अप्लाई करते हैं। कंप्लीट हो गया सभी का? ओके, हाँ, इसीलिए बताया है, रिफ्लेक्टिव का क्वेश्चन सीट में भी है, है ना। जल्दी नोट करें, ऑल 4 पॉइंट्स आपको लर्न करना है, याद रखना है, क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। इसके बाद हम वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 के डाउट डिस्कस करते हैं, और बिगनर बॉक्स 1 भी क्वेश्चन नंबर 1 to 15 दिए थे मैं। वर्कशीट 1 में कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 पहले है ना, वर्कशीट 1 की बात कर लेते हैं। वर्कशीट 1 में अगर किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 चंदन, क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट 1 में पढ़ रहा हूं, सेट ए है, उसमें 1 2 3 3 एलिमेंट, ओरल क्वेश्चन है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स, राइट। और उसमें एक रिलेशन डिफाइन है साइड में, जिसमें 2 एलिमेंट्स है, जिसमें एक ही एलिमेंट है 2 3। ये बात समझ में आए? सबसे पहले चंदन आप बताएं, सेट ए से सेट ए पर कितने रिलेशंस डिफाइन, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, जल्दी बताएं। बिल्कुल रॉन्ग बता रहे हैं, 2 की पावर 6 नहीं, 2 की पावर 9। ओके, अब सही है, 2 की पावर 9। उसमें से एक रिलेशन ये दिया, अब ऑप्शन हमसे पूछे हैं कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांस, ये बताओ रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, जितने एलिमेंट है सेट ए के खुद से रिलेटेड, तो इसमें है क्या 1 1 2 2 3 3 कुछ भी है क्या इसमें? नहीं है, जबकि तीनों होना चाहिए थे तब रिफ्लेक्सिव होना। ओके, युवराज मैं आपका एक बताऊंगा, पहले ये कंप्लीट हो जाने को सुन लो, ठीक है? ठीक है चंदन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। ओके, सिमेट्रिक के लिए ए बी है इसमें, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, ए बी आर में हो तो बी ए बी आर में होना चाहिए, है क्या इसमें? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है? इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग, और अगर ए बी और बी सी नहीं है तो चंदन। ओके, हाँ, इसके बाद 8 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सेट ए
वन टू थ्री, इसमें रिलेशन आर डिफाइन है किस तरह से, ए रिलेटेड टू बी, कंडीशन दी है इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन फाइव, बनाओ ऑर्डर्ड पेयर। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, रिलेशन आर बना के दिया है, आर इनवर्स आर के इक्वल बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स। तो देखो डोमेन ऑफ आर दिया वन टू थ्री, तो डोमेन ऑफ आर तो वन टू थ्री हो गई, पूरा सेट ए होता है क्या, नहीं, हमें पहले तो रिलेशन बनाया, क्या करेंगे रिलेशन बनाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन वन करके देखो आप, वन टू थ्री वन का स्क्वायर रिलेशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म पर क्या करेंगे, अगर वन रखा मैंने वन वन सेट ए से सेट ए पर, ए में फिर से एलिमेंट लिख लो आप चाहो तो वन टू थ्री, राइट, वन माइनस वन जीरो, जीरो लेस देन फाइव होता, फिर वन टू वन स्क्वायर माइनस फोर थ्री, फिर वन थ्री वन माइनस नहीं नहीं आ पाएगा, फिर टू वन आएगा, टू टू आएगा, टू माइनस थ्री सॉरी टू थ्री आएगा क्या, फोर माइनस नहीं फाइव, और यहाँ इक्वल नहीं लगा, टू थ्री नहीं आएगा, ओके। अब थ्री वन नाइन माइनस वन एट नहीं आएगा, थ्री टू नाइन माइनस फोर नहीं आएगा, थ्री थ्री आएगा, क्या ये सबको समझ में आ गया। तो डोमेन में वन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन आ गया वन टू थ्री, तो उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा, एक बताइए ये आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा आर इनवर्स इक्वल टू आर, क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, इसका इनवर्स निकालो क्या आएगा, वन वन रिवर्स कर दो टू वन, वन टू 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 थ्री थ्री, और ऑब्वियसली आप चेक कर लेना चाहिए था, आर इनवर्स निकालना नहीं चाहिए था, चेक कर लेना चाहिए था आर इनवर्स इक्वल टू, अगर आर सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स और आर इक्वल होता है, मैंने थ्योरम बताई है प्रूविंग करें, ओके। थर्ड डोमेन, डोमेन सी था वो सही है, रिलेशन आर में वन वन, अच्छा क्वेश्चन में इक्वल भी है, ओके क्वेश्चन में इक्वल भी है, मैंने इक्वल नहीं देखा, फिर से बना देते हैं, उसमें क्या है इक्वल भी है, तो कौन कौन से एलिमेंट और आएंगे बताओ, वन 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 टू, वन थ्री तो नहीं आ सकता, टू वन आ गया, टू टू आ गया, टू थ्री और आ जाए, टू थ्री और थ्री टू और आ जाएंगे, और कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने इक्वल नहीं देखा तो मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा था, अब इक्वल देख लिया, ठीक है क्या। अब ऑप्शन वन 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 टू टू थ्री थ्री, टू वन वन टू टू थ्री थ्री, अभी भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और है ना, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए, राइट, ऑप्शन ए में ये रिलेशन बना के दिया। हाँ, अब ऑप्शन डी पढ़ता हूं मैं, रेंज ऑफ आर इज फाइव, रेंज क्या है, रेंज क्या है? ये बोल रहे हैं रेंज फाइव तो है ही नहीं, तो रेंज फाइव नहीं है, फाइव तो कहीं पर है ही नहीं, सेट ए में है ही नहीं, फाइव नहीं, विच ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, क्लियर, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन ए सही है, उन्होंने ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, उन्होंने बोला विच ऑप्शन इज रॉन्ग, विच ऑप्शन इज फॉल्स, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ओके, समझ में आ गया क्या। कंप्लीट, चलिए शीट वन में और कोई डाउट है ना, मैंने ये इक्वल नहीं पढ़ा था इसलिए दो एलिमेंट कम आए थे, चलिए इक्वल भी देख लिया तो दो एलिमेंट और बढ़ जाए, जहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइव के, ओके। चंदन क्या बोल रहे हैं, और कोई डाउट नहीं है, चलिए शीट वन में और कोई डाउट नहीं, शीट टू वर्कशीट टू, मिहिर वर्कशीट टू का फोर्थ बोल रहे हैं, टू का फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट भी बोल रहे हैं, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, देखिए इसमें सॉल्यूशन में आपने नहीं देखा क्या, है ना, मैं कॉमन डाउट बता देता हूं, सॉल्यूशन आप लोगों के पास सबको मिला है, तो भाई देखो मैंने रिफ्लेक्सिविटी चेक करने का तरीका आपको बताया है, सिमेट्री चेक करने का तरीका बताया है, क्वेश्चन भी किए हैं बोर्ड पे क्लास, वही यहां पर करना है,
ठीक है चलिए, ये हो गया सभी का, सभी अलग अलग बता रहे हैं, कोई वन बोल रहा है, कोई टू बोल रहा है, कोई फोर बोल रहा है। उन्होंने सॉल्यूशंस नहीं देखे जो लोग भी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, करणजीत ने बोला नो डाउट सर, ये बिल्कुल सही बात। चंदन अग्रवाल ने भी बोला नो डाउट सर। मैं क्लैपिंग करूं सभी लोग इन दोनों के, है ना, क्योंकि मैं पूरी थ्योरी, प्रियांश को भी कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया प्रियांश, प्रणव को भी कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, प्रणव के बाद युवराज, बिल्कुल सही। चलो तो मैं कोई से भी, सभी को एक ही तरह से करना है, सभी को एक ही तरह से करना, रिफ्लेक्सिविटी जैसे चेक करते वैसे ही करेंगे, सिमेट्री जैसे चेक करते हैं वैसे ही करेंगे, ट्रांजिटिविटी भी वैसे ही चेक करेंगे। सबसे टफ क्या है चेक करना है, ट्रांजिटिविटी। उसमें एक भी पेयर ऐसा, भाई ऐसे बहुत सारे पेयर आ गए, ए बी है, बी सी है और ए सी भी आ गए, तो ट्रांजिटिव। लेकिन अगर एक पेयर भी हमने ऐसा ला दिया और अगर एक भी पेयर ऐसा एग्जिस्ट है कि ए बी और बी सी है, उसके करेस्पॉन्डिंग ए सी एग्जिस्ट नहीं है, देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके चलिए, मैं एक क्वेश्चन नंबर फोर करके बता रहा हूं, वर्कशीट टू का क्वेश्चन नंबर फोर। ओके वर्कशीट टू क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, वी डिफाइन ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू वन। क्वेश्चन नंबर फोर, साइन स्क्वायर ए रिलेटेड टू बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू, राइट। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, कैसे चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी, अगर ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए ए इस रिलेशन में होना चाहिए, तो बी की जगह भी ए रख दो, ए कॉमा ए रिलेटेड टू ए चेक करो आप, तो बी के प्लेस पर भी ए रखोगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बताओ ये आइडेंटिटी ट्रू है या नहीं है, देखना बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्स। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन लिख के मैं बता चुका हूँ सारे के, तो सॉल्यूशन आपको दिए उसमें पूरे सिस्टमेटिक लिख के दिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू वन दिया है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर के, ए बी बिलोंग्स टू आर के, ए रिलेटेड टू बी, तो अब हमें बी रिलेटेड टू है, बी को ए से रिप्लेस कर दो, क्या आ गया ये साइन स्क्वायर, ए की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी के प्लेस पर कॉस स्क्वायर, ये समझ में आया क्या, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए को बी से रिप्लेस किया बी, ठीक है। तो इसको भी हमें लाके बताना है, अगर वन आ जाता है देन रिलेशन इज सिमेट्रिक, करो तो साइन स्क्वायर बी को अगर मैं लिखूं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, है ना, आइडेंटिटी अप्लाई की, वन प्लस वन टू माइनस कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये वन है, हो गया। तो अगर ए ए रिलेटेड टू बी था तो बी रिलेटेड टू ए भी आ गया, रिलेशन समझ में आया सभी को, रिफ्लेक्सिविटी चेक कर दी, सिमेट्रिक सिमेट्रिक चेक कर दी, अब ट्रांजिटिविटी चेक। ट्रांजिटिविटी मतलब ए बी अगर रिलेशन में है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू वन, और बी और सी ले ले तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू वन, ये गिवन है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये गिवन है सिमेट्री के लिए हमें क्या लाना है, ए और सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी, अगर ये वन आ गया देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अगर नहीं आया तो रिलेशन ट्रांजिटिव, तो चेक करो भाई आप लोग, चेक है क्या ट्रांजिटिव, चेक करें।
सॉल्यूशन में करके दिया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और बोर्ड पे भी क्वेश्चंस कराएं, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस किया करें। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, बिल्कुल सही बात है, दोनों इक्वेशन को ऐड, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू वन और वन, ये वन हो गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू टू, और ये वन उधर शिफ्ट किया, वन हो गया। ए रिलेटेड टू बी था, बी रिलेटेड टू सी था, ए रिलेटेड टू सी, सो रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, है ना, रिलेशन रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। सो ऑप्शन में हमसे ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन वन गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर दिया है इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव विल बी ओके। समझ में आया सभी को, नोट करें। हो गया सभी का कंप्लीट, जल्दी नोट करेंगे। मॉड्यूल आपने कितनी कॉपी बनाई है, एक क्लास नोट्स कॉपी, मॉड्यूल क्लास नोट्स कॉपी में मत कर, ठीक है, वर्कशीट और मॉड्यूल क्लास नोट्स कॉपी में मत कर, क्लास नोट्स कॉपी में वही क्वेश्चन करना जो थ्योरी के साथ कराए जाते, ठीक है ना, प्रैक्टिस कॉपी में कर। हाँ, इसके पहले और क्या बोल रहे थे, मैंने चैट नहीं देख पाई, कैसे लिख सकते हैं, हाँ आप बोल रहे हैं सारे यूनिवर्सल फॉर्मूले, मतलब सारे यूनिवर्सल फॉर्मूले मतलब वो हमेशा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होंगे, ये बोल रहे हैं आप, यूनिवर्सल रिलेशन, बिल्कुल। सीट वन और सीट टू हमने कंप्लीट डाउट डिस्कस कर लिए, मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 में कोई डाउट हो तो बोल सकते, मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ये रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 जानवी, यस मैं 15 बता, 15 के पहले और कोई डाउट हो मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्स 1 में तो बोल सकते, मैं क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूं। हाँ, 15 कर रहा हूं, 15 के अलावा और कोई डाउट नहीं किसी का, क्वेश्चन नंबर 15 मॉड्यूल बिगिनर बॉक्स 1 फंक्शन में बिगिनर बॉक्स 13 मिहिर 13 और 15 बस इसके बाद नहीं करूंगा, तो 13 और 15 देखिए ध्यान से, है ना, 13 के पहले और कोई हो तो जल्दी बोले एक मिनट में, मैं 13 और 15 फिर उसके पहले और आगे नहीं जाऊंगा, नहीं तो कोई बोले सर आप फर्स्ट भी बताएं, ठीक है, आगे बढ़ना अच्छा लगता है पीछे जाना नहीं, ठीक है, तो 13 और 15 दोनों बताओ। 13th क्वेश्चन मेहर, 13th क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, एक्स और वाई रियल नंबर दिए हैं, है ना, सही के क्वेश्चन हमने थ्योरी में नोट्स में लिए थे, अपने थ्योरी में बताए थे, एक्स इलस्ट्रेशन में लिए हुए हैं, x और y रियल नंबर्स हैं, तो जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनमें इक्वेशंस दी हैं,
उसमें फर्स्ट क्वेश्चन वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और नॉट, तो हम वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना चाहें। अगर एक यूनिक वैल्यू आएगी तो फंक्शन होगा, यूनिक नहीं आएगी तो फंक्शन नहीं होगा, एक तरीका। दूसरा ग्राफ बना लें, ये सर्कल की इक्वेशन है मालूम है, सर्कल का सेंटर एच के और रेडियस आर, ग्राफ से भी देख सकते, एल्जेब्रिकली भी देख सकते थे, मैं ग्राफ से बता रहा हूँ, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर एच के है और रेडियस आर है, सेंटर एच के रेडियस आर, ठीक है मालूम है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन टेस्ट लगा लें, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट। सेकेंड, y square equal to 4ax, ग्राफ मालूम है, पैराबोला है, y square equal to 4ax, y एक्सिस के पैरेलल लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट। थर्ड, x4 equal to y square, x4 equal to y square, अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, प्लस माइनस x square है ना, इसके रूट ले लिया, तो ये फंक्शन है या नहीं, सोचिए। थर्ड, फोर्थ, x6 equal to y cube, y cube equal to x6, तो y equal to cube root लेंगे, तो plus minus नहीं आएगा, it is a function, right? फिफ्थ की बात करें, 3y equal to log x square, 3y equal to log x square, इट इज अ फंक्शन, समझ में आ गया क्या सबको, फर्स्ट फंक्शन नहीं है, सेकंड फंक्शन नहीं है, ये है, थर्ड फंक्शन है या नहीं आप बताइए, थर्ड फंक्शन है या नहीं बताएंगे, फोर्थ तो फंक्शन है, बेस्ट नहीं, प्रणव बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे नहीं, और मेहर बोल रहे नहीं है, वाई की दो दो वैल्यू आ रही, नहीं है फंक्शन, ठीक है, ओके युवराज फंक्शन, ठीक है, ओके, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, नोट कर लें। अब मैं हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 15th क्वेश्चन करते हैं, हाँ एक बार और देखें, चेक कर, पहले नोट कर लें, मैं बताता हूँ, इतना नोट कर लें, ये फंक्शन नहीं है, फर्स्ट वाले को एल्जेब्रिकली कैसे करें, के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, वाई की वैल्यू लिखो, वाई माइनस के स्क्वायर रूट लो, बस कैलकुलेट कर लो, वाई इक्वल के प्लस माइनस, तो दो वैल्यू आ गई है, एक प्लस लेंगे तो एक और माइनस लेने से सेकंड, सो इट इज नॉट, ठीक है, ये इसलिए नहीं है, अगर मैं एक्स की, थर्ड वाला क्यों नहीं है, एक्स की वैल्यू टू लूंगा तो वाई की कितनी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू टू लेने पर वाई की वैल्यू प्लस माइनस फोर आएगी ना,
इस ओरिजिनल इक्वेशन में ले लो x की वैल्यू 2 लोगे तो 16, y स्क्वायर तो y की कितनी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू आ रही, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर, समझ में आया? तो ओनली फोर्थ एंड फिफ्थ आर द फंक्शन। अगर हम x और y को चेंज करें तो फिर रिजल्ट चेंज होंगे डेफिनेटली। ठीक है, कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं, जल्दी नोट करें इसको। हो गया ये सभी का? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है? लेट एफ आर इनटू आर बी गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एफ सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर फंक्शन है, इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 28। fx मतलब फंक्शन की वैल्यू 28 है तो x क्या होगा वो सेट निकालना है। सेट निकालना है, एक ऐसा सेट निकालना है जिसके एलिमेंट x है, मतलब x की वैल्यू में fx 28 रख दो। fx 28 गिवन है तो x square plus 3 equal to 28, x square equal to 28 minus 3, x square equal to 25 plus minus 5, तो आपका फर्स्ट सेट आ गया minus 5 और 5 उसमें एलिमेंट्स। समझ में आया क्या? फाइन, सेट एक्स सेट फाइन करना था, उसमें टू एलिमेंट एक्स की वैल्यू माइनस फाइव। ओके जानवी, समझ में आया क्या? सेकेंड क्वेश्चन, द प्री इमेजेस ऑफ 39 एंड 2 अंडर एफ। प्री इमेजेस, प्री इमेजेस मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है। द प्री इमेजेस ऑफ 39, 39 की प्री इमेज, जब एफ एक्स 39 है तो एक्स क्या होगा? x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर 39 उस पर्टिकुलर वैल्यू की इमेज है तो हमें प्री इमेज निकालना है, मतलब जब fx 39 है तो x क्या हो। और दूसरा n2, 2 की भी प्री इमेज नहीं, ठीक है, 2 की भी प्री इमेज निकाल, तो fx क्या है? क्लियर, तो fx 39 रख दो, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 39, कितना आ जाएगा 36 प्लस माइनस 6। तो 39 की प्री इमेजेस क्या क्या आ गई? प्लस 6 एंड माइनस 6। इमेज यूनिक होती है, ठीक है, प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है। ओके चलिए, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 2, ये एक्स रियल आएगा क्या यहां से? नहीं आएगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी, मतलब 2 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं, ठीक है, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2। टू अंडर एफ, ओके। ये किसने बोला जिसकी प्री इमेज नहीं हो वो फंक्शन नहीं होता? भाई सेकंड सेट में तो एक्स्ट्रा एलिमेंट चल सकते हैं, जिसकी इमेज
जिस एलिमेंट की इमेज ना हो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड सेट बी में तो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फंक्शन की, ओके। अब मैं आगे कंटिन्यू करना है, ओके सभी का। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स देन फाइंड एफ पाई बाय फोर। जल्दी बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इफ एफ एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स फाइंड एफ पाई बाय फोर। मतलब क्या है क्वेश्चन का, मतलब समझना कि एफ एक्स इस तरह से डिफाइन है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पाई बाय फोर पर फाइंड। बिल्कुल सही आंसर भी बता दिया है, एफ पाई बाय फोर इक्वल टू टेन पाई बाय फोर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय फोर, राइट। 210 पाई बाय 4 मतलब 1 अपॉन 10 पाई बाय 4 45 डिग्री की वैल्यू 1 2 अपॉन 2, राइट। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ fx इक्वल log ऑफ, log की प्रॉपर्टी सबको आती है, log n प्लस log m into n इक्वल्स टू log n प्लस log n, थोड़ा सा दे देता हूं। इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स सच दैट एंड एंड एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स एंड एफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ एक्स, lambda belongs to R. Find the value of lambda. करेंगे ये second question. Second question करेंगे. ये लैम्डा इनटू एफएक्स है, लॉग की प्रॉपर्टी आना चाहिए, प्लस वाली भी है, प्लस माइनस और एक प्रॉपर्टी होती है पावर आ गया जब, है ना। मैं तीनों प्रॉपर्टियां मेंशन कर देता हूं, किसी को नहीं आती हो तो देख ले, लॉग एन प्लस लॉग एन, या बेस में ए भी ले सकता हूं, एनी डिफाइंड log m into it, log m plus log m into it, okay. Three basic property of logarithm, log m upon n, log m minus log, log m minus log m, and third log m to the power, kya jayega, n log. बता रहा है कोई, जल्दी बताएं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स एंड एफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए बहुत ही सिंपल है, एफ एक्स ये जो वेरिएबल एक्स है वो लॉग में बिल्कुल कौन आशी सोनी है, एस सोनी है, नाम सही लिखा है, ठीक है। तो
वेरिएबल x की जगह यहां पर वेरिएबल क्या है 2x upon 1 plus x, तो फंक्शन वही है x, ठीक है। तो हम क्या करें, सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। f 2x upon 1 plus x square equal to given है, अपन निकाल लें f 2x upon 1 plus x square, उसको कंपेयर कर देंगे। तो fx की डेफिनेशन log of 1 plus x upon 1 minus x, तो f of 2x upon 1 plus x square की डेफिनेशन log of 1 plus x को रिप्लेस करना है किससे, x इस प्लेस को किससे रिप्लेस करना है 2x upon 1 plus x, राइट। एलसीएम ले लें तो 1 plus x square plus 2x, 1 plus x square minus, है ना, डिनोमिनेटर का 1 plus x square, 1 plus x square से कैंसिल हो गया, लो न्यूमरेटर है 1 plus x whole square, डिनोमिनेटर है 1 minus x, राइट, ठीक है। न्यूमरेटर है 1 plus x whole square, डिनोमिनेटर एक साथ लिख दिया, पावर आ गया जाएगी 2 ऑफ, लो कंपेयर करें 2, ये क्या बन गया fx, क्या आ गया लैम्डा इक्वल, है ना। और थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर देता हूं, यहां पर मॉड लग गया है ना, क्वेश्चन नहीं भी लगाया चलेगा, तो पूरा मॉड में चलेगा, और ये तो होल स्क्वायर है और मॉड एक ही बात है, ठीक है, समझ में आया सभी को। अब बता सकते हैं मैंने मॉड क्यों किया, क्योंकि इसलिए कि इससे अब ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब हमें डोमेन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और ऑब्वियसली वो डिफाइन लॉगरिथमिक जो भी फंक्शन यहां डिफाइन था वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, है ना, जिन उन वैल्यूज के लिए डिफाइन था जहां पर ये पूरा फंक्शन रियल, ठीक है, फंक्शन की कंप्लीट वैल्यू रियल, तो अगर नहीं भी लगा था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर लगा दिया तो और बेटर। समझ में आया क्या, कंप्लीट, लॉग की तीनों प्रॉपर्टी सभी को आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे थ्योरी में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। क्या बोला फिर से बताएं चैट में, क्या आपने क्या लिखा फिर से रिपीट करें, मैंने नहीं लिखी। लास्ट में जिन्होंने अभी लिखा लेटेस्ट बता सकते हैं, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ, वैभव पाटीदार अभी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी नहीं लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ बता देंगे, है ना, और ये 11th के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, आप 11th में यही थे, इसी क्लास में थे 11th में, अच्छा नहीं थे, है ना, तो आपको बताई जाएगी, है ना, 11th के सिलेबस के साथ। If fx equal to cos of log x then find the value of fx square into fy square minus half f x square upon y square plus f x square into y square, ठीक है, देखेंगे ध्यान से, f x equal to cos of log x given है, cos of log x then find the value of f x square into f y square,
तो सिंपल क्वेश्चन है, अपन क्या करना है यहाँ से वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं। एफ एक्स की डेफिनेशन कॉस ऑफ लॉग एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर की क्या होगी, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वायर, राइट, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, इनटू एफ वाई कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई स्क्वायर, राइट, माइनस हाफ यहां पर क्या एक्स को एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, पूरी एक ही टर्म, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया हमने, जहां एक फंक्शन था वेरिएबल एक्स स्क्वायर था वहां एक्स स्क्वायर कर दिया, जहां वाई स्क्वायर था वहां वाई स्क्वायर, पावर आगे ले लें क्या, पावर आगे आ गई टू लॉग एक्स, ऐसे ही कॉस ऑफ टू लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई है ना, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, लॉग एन टू दी पावर है एन लॉग, आगे देखेंगे आप कॉस, पहले तो log m upon n एक साथ लगाऊंगा मैं दो प्रॉपर्टी, log x square upon y square, तो log m upon n log x square minus log y square, फिर पावर टू आगे आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी को समझ में ना आए पूछ लेना, टू log, समझ में आया क्या, क्या किया पहले log m upon n अप्लाई किया, तो log x square minus log y square, फिर log x square से टू आगे आ गया, log y square से टू आगे आ गया, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ प्लस कॉस, हाँ पहले मैंने ये टू आगे आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टू, या अलग अलग लिख दो पहले m into n, ये m into n है तो कॉस के साथ log x square plus log y, log m into n, log of m square plus log of n, फिर टू आ गया कॉस टू log x plus टू, समझ में आ गया क्या, ठीक है, क्लियर सभी को, ठीक है, टू log x यहां पर टू log x टू log y, ठीक, अब देखो सभी जगह टू log x टू log y चल रहा है, तो हम इसको बार बार टू log x टू log y लिखने से अच्छा a और b मान ले, थोड़ा सिंप्लीफाई, मतलब लिखना कम पड़ेगा, log x को a, log y को b, 2 log x को a कर दो 2 log y को, है ना, केवल ये हमने नहीं करोगे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल आंसर सही बताया है कुछ कुशाग्र, क्या कुशाग्र देख लेते हैं, रखते हैं cos a cos b minus half cos a minus b प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस हाफ, यहां कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी सभी को आती है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, सबको आती है ये दोनों आइडेंटिटी, कंपाउंड एंगल फॉर cos a cos b माइनस हाफ cos a cos b, और ये भी cos a cos b ऐड हो गया 2 cos a cos b, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा cos a cos b माइनस cos a cos b इक्वल टू 0, समझ में आया क्या कैसे हमने फंक्शन की डेफिनेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट निकाल के कैलकुलेट किया, ओके कंप्लीट हो गया सभी का, चलिए
अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो देखिए अगर हम फंक्शंस को एलजेब्रिक फंक्शंस को अगर हम क्लासिफाई करें टाइप्स, सबसे पहले तो हम दो मेजर टाइप बना सकते हैं, एलजेब्रिक और नॉन एलजेब्रिक, एलजेब्रिक और नॉन एलजेब्रिक। ठीक है, जैसे नॉन एलजेब्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, क्योंकि उनका लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल का खुद का एलजेब्रा है ना, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं नॉन एलजेब्रिक। जो हम पॉलिनोमियल में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 10 तक पढ़ते हैं वो उनको क्या बोल रहे हैं अपन एलजेब्रिक। और जहां साइन ए प्लस बी को का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है तो उनको हम बोल रहे हैं नॉन एलजेब्रिक। ओके, तो एलजेब्रिक फंक्शंस और सेकंड वन नॉन एलजेब्रिक। एलजेब्रिक फंक्शंस एंड नॉन एलजेब्रिक फंक्शंस, तो देखिए एलजेब्रिक फंक्शंस में हम सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल आपने पढ़ाई है, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन है ना, अभी हम सभी को डिस्क्राइब करेंगे, अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूं कौन कौन से फंक्शंस देखना है। और फोर्थ है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जस्ट पीस वाइज फंक्शन भी लिख सकते। पीस वाइज का मतलब जो पीसेस में डिफाइंड, जैसे एग्जांपल fx इक्वल टू 3x माइनस 2 वेयर x इज ग्रेटर देन, वेयर x इज लेस देन 1 सपोज, और 2x स्क्वायर वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, टू पीसेस में डिफाइन है, x इज लेस देन 1 पर ये है फंक्शन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर। समझ में आया क्या? ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, वो तो चेंज कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पीसेस में डिफाइन, x इज लेस देन 1 मतलब 1 से स्मॉलर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, 1 से लार्जर वैल्यू के लिए फंक्शन, और 1 पर भी यही फंक्शन। तो जब भी पीस वाइज डिफाइन फंक्शन हो तब भी हमें फंक्शन की वैल्यू पूछ सकते हैं, जैसे अपन से पूछा उन्होंने फाइंड f0, 0 कहां पर डिफाइन होगा, 0 क्या होता है लेस देन 1, तो 0 के लिए डेफिनेशन ये होगी, ये क्लियर है सभी को, 0 के लिए डेफिनेशन 3 इंटू 0 माइनस 2 क्या गया माइनस। ओके, फिर अगर हमसे पूछा f5 तो डेफिनेशन ये लगेगी 1 से ग्रेटर f5, क्लियर, ये सभी को पीसवाइज डिफाइन फंक्शन समझ में आया, जो पीसेस में डिफाइन हो, रियल नंबर्स के डिफरेंट सबसेट्स के लिए डिफरेंट डेफिनेशन हो, देन फंक्शन इज कॉल्ड पीसवाइज। और वैल्यू निकालना हो फंक्शन की पीसवाइज डिफाइन फंक्शन में तो कैसे? ओके, तो मेनली ये फोर टाइप्स हमें एलजेब्रिक फंक्शंस में पढ़ना है, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन, पीसवाइज डिफाइन, सब में पार्ट आएंगे। ठीक है, नॉन एलजेब्रिक फंक्शंस में हमें कौन कौन से पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, मेनली ये फोर। फिर कुछ और, फैक्टोरियल फंक्शन,
और परम्यूटेशन या फिर कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अरे इनमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एनसीआर एनपीआर डिफाइन करके उनका डोमेन रेंज निकाल सकते, फैक्टोरियल फंक्शन में भी इसी तरह है ना। तो ये फोर मेन है, ये भी पढ़ लेंगे साथ, क्वेश्चन तो आ ही जाता है इन पर। ओके, समझ में आ गया क्या सभी को यहाँ तक? जल्दी से नोट करें, फिर अलजेब्रिक फंक्शंस डिस्क्राइब करते हैं एक एक करके, सबके डोमेन रेंज ग्राफ। चलिए सबका हो गया, चलिए टाइप से लिखना थे केवल, है ना, मैथमेटिकली तो अब लिखें। ठीक है, सबसे पहले एलजेब्रिक फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल, है ना, एफ एक्स डायरेक्ट लिख सकता था y इक्वल या एफ एक्स इक्वल टू, कुछ भी हटा सकते हो, y और एफ एक्स एन इक्वल इक्वल a जीरो xn plus a1 xn minus 1 plus a2 xn minus 2 plus and so on up to a। ठीक है, ये जो n है नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, एंड ये जितने भी आपको ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं a0 a1 a2 a, दे ऑल आर All belongs to R। मैं लिख देता हूँ AI belongs to R for all I equal to 0, 1, 2 up to n। I की value 0, 1, 2, 3 up to n के लिए कोई भी AI हो वो real। यहाँ तक समझ में आया क्या? और power जो है x की variable की power है वो क्या होना चाहिए? Non-negative integer। Integer ही होना चाहिए लेकिन negative integer नहीं चल रहा, फिर non-negative word use क्योंकि zero भी चल। ओके, समझ में आया? इफ ए जीरो इक्वल नॉट जीरो, अगर ये वाली टर्म जीरो नहीं, ये वाला कोफिशिएंट रियल कोफिशिएंट, देन एफ एक्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, देन एफ एक्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, और पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोलते, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री। समझ में आया क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन समझ में आया। अब हमें इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन वो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइन होता, एक्स की कोई सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होता, तो डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज आर। डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, एक वन डिग्री का हो, थ्री डिग्री का हो, फाइव डिग्री का, पॉलिनोमियल सेट ऑफ ऑल डोमेन। अब हम रेंज की बात करें, तो जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब वन डिग्री पॉलिनोमियल, थ्री डिग्री, फाइव डिग्री, सेवन डिग्री एंड सो ऑन, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज आर होती, और इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज पर कोई कमेंट नहीं होता, मतलब आर नहीं होती, हमें कैलकुलेट करना होता। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री टू, तो डोमेन तो क्या आएगा इसका, सोचना ही नहीं डोमेन में, तो अगर पॉलिनोमियल है तो रेंज बताएगा, कोई रेंज क्या है? एफ एक्स की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, एक्स कुछ भी रखूं, वाई पॉजिटिव, क्या आएगा?
रेंज जीरो से लेकर इनफाइनिट तक, इंटरवल बोलते हैं इसको, जीरो टू आर प्लस भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, आर प्लस नहीं बोल सकते, फिर जीरो इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको आप ऐसा बोल सकते हो आर प्लस यूनियन जीरो, केवल आर प्लस नहीं बोल सकते, इंक्लूडिंग जीरो बोल सकते, ठीक है, ये और ये एक ही बात, ओके। तो रेंज हमने ये निकाली, मतलब कहने का इवन डिग्री पॉलिनोमियल जब भी आएगा तो रेंज हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी रेंज कभी भी आर नहीं, ये कंफर्मली बोल सकते, ठीक है। रेंज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन एज रेंज आर, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है और रेंज आर, रेंज आर एंड इवन डिग्री, रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल एंड रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल नेवर इज, नेवर कभी भी आर नहीं होगी, जब भी आएगा क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना डिफरेंट मैथड्स, ओके। समझ में आ गया क्या यहाँ तक, पॉलिनोमियल फंक्शन समझ में आया, कैसे पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं, टेंथ क्लास से पढ़ रहे हैं अपन पॉलिनोमियल, ठीक है। डोमेन आर ऑड का एग्जांपल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल पूछ रहा है, गजब की बात कर रहे हैं, 3x plus 5 1 डिग्री पॉलिनोमियल, x cube minus 3x square plus 2x minus 7 3 डिग्री पॉलिनोमियल, आप बोलो कितने लिखूं मैं, पूरे साल लिख सकता हूं, कंप्लीट वन ईयर, अगले जेई मेंस तक, जेई मेंस 2020 तक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन लिख सकते, ठीक है 22 तक, हाँ समझ में आ गया कि सबको, कंप्लीट पॉलिनोमियल फंक्शन सबको समझ में आया, डोमेन इज ऑलवेज आर, रेंज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो आर, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो हमने कहा नेवर, राइट। अब हम कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस के टाइप्स की बात करते, पॉलिनोमियल फंक्शन के टाइप्स की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का फर्स्ट टाइप जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, अगर तो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल मतलब x की पावर 0 1 कांस्टेंट फंक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, y इक्वल टू fx, ये तो फंक्शन को देखो इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, ये अब आप बोलोगे इसमें x है नहीं, बिल्कुल है x टू द पावर 0, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल, समझ में आया क्या, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है अगर तो डोमेन तो r होगा, सोचने की जरूरत नहीं, मैं x की कोई सी भी वैल्यू रखूं y की वैल्यू k मिलेगी, मतलब x की हर रियल वैल्यू पर डिफाइन डोमेन r, रेंज बताएं, रेंज कौन बताएगा, कुछ भी रखो रिजल्ट क्या आएगा, की तो सिंगलटन सेट की रेंज एक, राइट, रेंज में एक सेट लिखना पड़ेगा, रेंज क्या होती है, सेट, तो सिंगलटन सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है, हाँ ग्राफ बनाना आता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा ये नहीं मालूम कि के पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर के पॉजिटिव हुआ तो ऊपर बना, तो ये डिस्टेंस के है, तो जीरो पर भी के, वन पर भी के, टू पर भी के, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई, ये डिस्टेंस के है, ये लाइन हो गई y, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, सॉरी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस,
है ना, x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें, रिजल्ट y की वैल्यू p है, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, कांस्टेंट फंक्शन सबको समझ में आया, कांस्टेंट फंक्शन के बाद लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, लीनियर फंक्शन मतलब डिग्री वन पॉलिनोमियल, ए और बी रियल नंबर है और x की पावर वन है, डिग्री वन पॉलिनोमियल। अब देखो अगर यहां पर एक ही वैल्यू जीरो आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाए, कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाए। तो एक ही वैल्यू क्या, लीनियर फंक्शन बोल दिया आपने मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब एक की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बी की जीरो होगी चले राइट, क्योंकि अगर ए जीरो ले लेंगे तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना, तो वन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। डोमेन रेंज में सोचना ही नहीं, डोमेन आर, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इसलिए रेंज भी आर, ग्राफ हाँ बताओ लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है, कैसा आता है, ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा डेफिनेटली, बट नेचर तो मालूम है आपको, लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन वेरी, वो कैसी भी आ सकती है, ऐसी ये कहीं भी बना सकते हो, वो सब किस पर डिपेंड करेगी, ए और बी की वैल्यू पर, पोजीशन उसकी ए और वैल्यू पर आएगी स्ट्रेट। ओके, अब ये जो लीनियर फंक्शन है उसी का टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन का ही टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स, ए की जगह वन ले लो और b की जगह जीरो, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, सो डोमेन r, रेंज r, सोच नहीं, डोमेन भी r, रेंज, ग्राफ बनाओगे जब, ग्राफ बनाई तो y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल है, आएगी तो स्ट्रेट लाइन, बट पासिंग थ्रू y इक्वल, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस, हाँ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। ओके, समझ में आया क्या, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन के टाइप क्या हो गया, आइडेंटिटी कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन का हम कौन सा टाइप बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी उसी का टाइप है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a कैन नॉट बी जीरो और बाकी कोफिशिएंट रियल नंबर होंगे, a भी रियल नंबर है, बस किसको छोड़कर, a को छोड़कर, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, a भी सारे रियल नंबर हो सकता, बस जीरो नहीं हो सकता, जीरो होगा तो लीनियर फंक्शन। डोमेन r, पॉलिनोमियल फंक्शन सोचना ही नहीं, और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है तो रेंज नहीं निकाल सकते, सॉरी रेंज r नहीं हो सकता, रेंज निकालना तो पड़ेगी। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है तो रेंज आर नहीं हो सकता, क्लियर,
नहीं, जीरो टू इंफिनिटी नहीं होगी क्या? नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? नेगेटिव भी हो सकती। डोमेन रेंज किसी को याद है? इलेवेंथ क्लास में सबने पढ़ी क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, एक मेथड, बाय डिफरेंशिएशन, दो मेथड ग्राफिकली, तीन मेथड, थ्री मेथड से हम इसकी रेंज पर बात कर सकते हैं। हाँ, ये मालूम है सबको, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ पैराबोला, सबको मालूम है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पैराबोला बनता है इस टाइप का, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पैराबोला, राइट? अपवर्ड डाउन, ए पॉजिटिव। डोमेन आर, मैं रेंज लिख रहा हूं, लिख देता हूं, इलेवेंथ में प्रूव भी की है। हाँ बिल्कुल सही, रेंज दो केसेस में रेंज है, जब ए पॉजिटिव हो तो क्लोज्ड इंटरवल माइनस टी, डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, माइनस डी बाय फोर ए टू इन्फिनिटी, है ना? इन्फिनिटी देखो, प्लस इन्फिनिटी, ग्राफ कहां तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। और जब ए नेगेटिव हो तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाय फोर ए, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाय फोर ए। ये देखो माइनस इन्फिनिटी कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनिट तक जाएगा, है ना? नोट करें, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। नोट करेंगे, कंप्लीट। नोट कर लिया क्या सभी ने? ठीक है, सुने, ये हमें, ये रेंज कब है? जब ए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये रेंज आएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है ए तो ये रेंज आएगी, और x belongs to R given है तो, domain R है तो, अगर domain restrict करोगे तो range और restrict भी होता है। समझ में आया क्या? quadratic function, domain, domain R, range हमने। समझ में आया क्या? quadratic function, ठीक है। अब मैं cubic function और लिख रहा हूँ, दो मिनट का टाइम लगेगा, ओके? क्यूबिक फंक्शन, है ना? नंबरिंग का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, नंबर जो भी हो आप आगे डाल सकते हैं। क्यूबिक फंक्शन, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स क्यूब, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए इक्वल नॉट जीरो एंड ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ओके? बस ए बी ए बी सी डी चारों कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस ए पर एक रिस्ट्रिक्शन है, जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन आर, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक, डोमेन आर, रेंज भी है, ठीक है? ऑड आर को आपको मालूम है, इंटरवल फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, एक ही बात, ठीक है? समझ में आया यहां तक? क्लियर है? अब ग्राफ की बात करें अगर हम, तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो एक ए बी सी डी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ग्राफ तो पोजीशन, लेकिन एक माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, ए पॉजिटिव, और अगर ए नेगेटिव हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ समझ में आया कि सभी को?
ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसा होगा, और ए नेगेटिव हो समझ में आ गया। सेकेंड वाले में ए नेगेटिव है ना, ई नेगेटिव बोला भी था, ए पॉजिटिव है ई नेगेटिव बिल्कुल सही, सेकेंड में ए नेगेटिव ए पॉजिटिव ग्राफ ए, सबको समझ में आया क्या तक? ठीक है, कल का होमवर्क है आपका बिगिनर बॉक्स वन, बिगिनर बॉक्स वन क्वेश्चन नंबर 16 से एंड है ना, क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करोगे, और कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन है, 16 से 25, ओके। और ये थ्योरी रिवाइज करना है, जितनी थ्योरी बताई है उसको रिवाइज भी करके आना, ओके। देन गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।